दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन तो आप सब यूज़ करते होंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में 6 नए फीचर ऐड होने वाले हैं, वो कौन कौन से फीचर है ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक पूरा देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपन, आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वा यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एंड्रॉयड 6 यानी कि मार्शमैलो के ऊपर जितने भी एंड्रॉयड वर्जन के डिवाइसेस होंगे उन सारे डिवाइसों में ये सारे फीचर ऐड होने वाले हैं। तो पहला जो फीचर है वो है अर्थक्वेक सिस्टम, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपके आसपास भूकंप आने वाला है। जैसे कि आप कहीं पे मॉल पे जाते हो या फिर आप घर में रहते हो या फिर एक्सपोजर आप कहीं पर भी होते हो, अगर वहाँ पे भूकंप आने की संभावना होता है तो आपका जो स्मार्टफोन है वो आपको अलर्ट करेगा, आपको सावधान करेगा, आपको वार्निंग देगा और आपको ये भी बताएगा कि आप सतर्क हो जाइए और अपना जान बचाइए, आप कहीं ऐसे सेफ जगह पे चले जाइए जो आप अपना जान बचा सकते हो। तो दोस्तों ये जो फीचर है अभी फ़िलहाल जो कि बीटा वर्जन पर चल रहा है, हालाँकि कुछ देशों में जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है उन सारे देशों में गूगल ने इंट्रोड्यूस करा दिया है अर्थक्वेक सिस्टम को। अब गूगल चाह रहा है कि जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स है उन सारे यूज़र्स को जो कि गूगल अर्थ सिस्टम का ये फीचर को दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान बच सकता है, क्योंकि ऐसा कोई टाइम आ जाता है जब भूकंप आता है बहुत सारे लोग जो कि मर जाते हैं। और यहाँ पे जो कि गूगल नहीं चाह रहा है कि उनका जो भी यूज़र से वो मरे, इसलिए उन लोगों ने ये फीचर को जो कि लॉन्च करने का यहाँ पे प्लान किया है। दोस्तों दूसरा जो फीचर ऐड होने वाला है वो है SMS को मार्क करना, यानी कि स्टार करना। जैसे कि आप WhatsApp में किसी मैसेज को आप मार्क कर देते हो, स्टार कर देते हो, जैसे कि आप Gmail में जाके ईमेल को मार्क कर देते हो, स्टार कर देते हो, तो बाद में आपको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, बस आपको स्टार पे क्लिक करना है और आपको पता चल जाता है कि आपने किस मैसेज को आपने यहाँ पे जो कि स्टार किया था। तो यहाँ पे आप भी जो कि एंड्रॉयड जो भी उनका डिफ़ॉल्ट जो भी एप्लीकेशन आता है जिससे मैसेजिंग करते हो, तो वहाँ पे आप जाके स्टार पे क्लिक करके उसको रख सकते हो। आपका अगर वो इंपॉर्टेंट हो बाद में आपको काम आने वाला है तो यहाँ पे आपको ढूंढने में जो कि बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये फीचर भी यहाँ पे एंड्रॉयड 6 से एंड्रॉयड के ऊपर जितने भी वर्जन है वो सारे के सारे यूजर्स को मिलने वाला है। दोस्तों तीसरा जो फीचर ऐड होने वाला है वो है इमोजीज यानी कि स्टिकर का। दोस्तों जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी आपका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आता है जिससे मैसेजिंग करते हो, उसमें अगर आप जाके जैसे कि टाइप करते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप जो कि इमोजीज को ढूंढते हो, स्टिकर को ढूंढते हो, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे इमोजीज होते हैं। आप किसको यहाँ पे जो कि सर्च करोगे और किसको ढूंढोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। जैसे कि आप किसी को बोलते हो मैं ये वाला जूता खरीदा हूँ, या फिर ये वाला मुझे ये मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे स्कूल में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको स्टिकर जो कि खुद ब खुद सजेस्ट करेगा, जो भी आपका कीवर्ड लिखोगे उस हिसाब के उस अनुसार से आपको जो कि यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट करेगा, जो कि एंड्रॉयड का फीचर ये आने वाला है जो कि स्टिकर एंड जो कि इमोजीज का। दोस्तों चौथा जो फीचर ऐड होने वाला है वो है वॉइस एक्सेस का। दोस्तों बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन को वॉइस से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं गूगल पे बोलते हैं कि गूगल इसका साइंटिफिक नाम क्या है, या फिर इसका अर्थ क्या है, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये सब पूछते हैं। तो गूगल बहुत ही अच्छी तरह से बता देता है, ये सब करने में गूगल बहुत ही सक्षम है। और अगर आप कहते हो कि गूगल जाके तू फलाना जाके व्हाट्सएप में उसको मैसेज कर दे, या फिर इस पोस्ट को डिलीट कर दे, या फिर जाके उस ऐप से जाके इस मोबाइल के नंबर को रिचार्ज कर दे, तो ये सब करने में अभी तक गूगल सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे गूगल चाह रहा है कि आप जो भी वॉइस को कमेंट दो वो सारा का कमांड जो कि यहाँ पे फॉलो करे गूगल के थ्रू, तो ये सब इसमें इंप्रूवमेंट करना चाह रहा है गूगल। तो ये अपडेट बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों पांचवा जो फीचर ऐड होने वाला है वो है गेज डिटेक्शन का। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को वॉइस से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वो बताते हैं हे गूगल अभी टाइम कितना हो रहा है, या फिर ये बताते हैं हे गूगल ये वाला गाना प्ले कर दे, या फिर ये वाला वीडियो प्ले कर दे, या फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब काम तो गूगल नॉर्मली कर देता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो गेस डिटेक्शन का जो ऑप्शन आ रहा है ये सिक्योरिटी को एक कदम और बढ़ा देता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में देख के बात कर रहे हो गेस डिटेक्शन आपका ऑन है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने मोबाइल को कोई कमेंट किया है कि ये वाला प्ले कर दे गाना या फिर यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम जो आपका जो स्मार्टफोन वो काम करेगा। लेकिन अगर आप उसको पलट देख के नहीं बात करते हो या फिर आपके सामने कोई आ जाता है उसे आप बताते हो मेरे लिए पानी लिया या फिर मेरे लिए ये कर दे, तो अगर आप मोबाइल की तरफ ना देख के अगर बात करोगे तो मोबाइल यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आपने जो भी यहाँ पे आपने वॉइस को कॉमेंट दिया वो सारे यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये सब फीचर यहाँ पे ऐड होने वाला है और ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करके अगर बता दे हे गूगल व्हाट्सअप खोल दे, तो उस टाइम क्या होगा जब आपके गैर हाजिरी में अगर कोई कर दे तो आपका व्हाट्सअप खुल जाएगा। तो ये सब जो कि सिक्योरिटी के कदम में एक कदम और आगे बढ़ा रहा है एंड्रॉयड, तो ये फीचर भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों छठा जो फीचर ऐड होने वाला है वो है एंड्रॉयड ऑटो का। दोस्तों जैसे कि आप कोई महंगी गाड़ी खरीदते हो तो वहाँ पे जो कि आपको एंड्रॉयड ऑटो का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे कि ऑटो पायलट होता है, तो यहाँ पे आप ऑटो एंड्रॉयड भी कर सकते हो। जैसे कि आप बताते हो ये गूगल ये गाना प्ले कर दे या फिर मुझे यहाँ पे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ में ऑटोमेटिकली जो कि आपका एंड्रॉयड काम करने लगेगा। तो ये सब फीचर जो कि यहाँ पे गूगल ऐड करने वाला है, गूगल जो कि एंड्रॉयड 6 से एंड्रॉयड वर्जन जितने भी ऊपर आने वाले सारे के सारे डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सब अपडेट आपको कैसे लगी और इनमें से सबसे ज़्यादा आपको अच्छा कौन सा फीचर लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस, मिलते किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।